नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाई स्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर, धोरण 9 विषय हिंदी बाय जेके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपनो हार्दिक स्वागत करू छू। काव्य 13 नीति के दोहे, जिनके लेखक हैं रहीम। कवि रहीम बादशाह अकबर के नव रत्नों में से एक थे। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे थे। उनका जन्म लगभग 1553 ईस्वी सन और निधन सन 1626 ईस्वी सन। रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरमरबा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहु सुविख्यात थे। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दिन बंधु की बात की गई है, पांचवे दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है, छठवे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए इस बात को उद्धृत किया गया है। इसके यानी कि उसको मान्य रखा गया है। तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिया ही लपान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचही सुजान, रही मन संपत्ति सुचही सुजान, कही रही म संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मीत, रही मन ते साचे मीत, रही मन देखी बड़ेन को लगुन लीजिए लारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, रही मन कहाँ करे तरवारी, दिन सबन को लखत है दिल ही लखे न को, जो रही मन दिल ही लखे दिल बंदो सम हो, रही मन दिल बंदो सम हो, खीरा को मुँह काटी के मल यतनो न लगाए, रही मन करवे मुखन के चाहिए यही सजाए, रही मन चाहिए यही सजाए, जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, रही मन लपटे रहत भुजंग, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रही मन बिगड़ दूध को मथे न माखन हो, रही मन मथे न माखन हो,
रहे मन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हो। हित अनहित या जगत में जानी परत सब को, रही मन जानी परत सब को। रही मन वे नर मर चुके जे कछु मागन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाई। रही मन जिन मुख निकसत नाही, जिन मुख निकसत नाही। रही मन जिन मुख निकसत नाही। विद्यार्थी मित्रों, नीति के दोहे के हमने गान किया, अब हम एक एक दोहे को समझते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, तरु यानी पेड़ और फल उसका उसके ऊपर आते हुए जो फल होते हैं वह पेड़ अपने फल जो आते हैं वो अपने आप खा नहीं जाता। सरोवर पिय ही न पान, सरोवर यानि सरोवर तालाब, पिय ही न पान, पिय ही यानि पीना, पान यानि पानी। सरोवर अपना खुद का पानी खुद नहीं पी जाता, अपने आप पीता नहीं है। इसी प्रकार कही रहीम पर काज हित, परकाज यानी रहीम जी कहना चाहते हैं कि परकाज परोपकार हित, संपत्ति सुच ही सुजान, सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति परोपकार के लिए ही रखते हैं, दूसरों के उपयोग के लिए ही रखते हैं। जिस प्रकार जो पेड़ होता है वो परोपकारी है, नदी है, तालाब है, वो भी पानी जो भरा हुआ है वो दूसरों के लिए उपयोगी है। सभी प्रकार के जीव जंतु उसमें से पानी पी सकते हैं, इसलिए वो परोपकारी है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो है वो दूसरों के उपकार के लिए ही संपत्ति इकट्ठी करता है। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी नहीं पीते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी काव्य पंक्ति है, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मित। सगे यानी अपने सच्चे रिश्तेदार, बहु यानी बहुत, रीत यानी प्रकार, विपत्ति यानी बुरा समय, कसौटी यानी सच्चे झूठे की पहचान करने वाला, सही गलत को पहचानने वाला, तेई यानी वही, मित यानी मित्र। रहीम जी कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बनते आते हैं, पहचान में नहीं होते वही भी आकर संबंध बनाना चाहते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि ये हमारा सही मित्र है या गलत मित्र है, उसकी अगर पहचान करनी है तो पहचानने के लिए हमें विपत्ति के समय वही व्यक्ति की सच्ची कसौटी हो जाती है। जब हमें कोई विपत्ति आती है तो विपत्ति के समय हमें पता चल जाता है कि वो हमारा भला इच्छता है या पैसों के लिए ही हमारे पास आया है। जब तकलीफ आती है तो कोई रहता नहीं है, पैसों की वजह से सब कई लोग हमारे साथ मित्रता बनाते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जब हमारी कोई तकलीफ आती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो वही समय पर हमारे साथ कोई आने वाला नहीं होता। तीसरा दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। बड़ेन यानी बड़ों को, लघु यानी छोटा, डारी यानी छोड़ना, तरवारी यानी तलवार। रहीम जी यहाँ कहना चाहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए,
छोटे लोगों का जो बुरा हम करते हैं, बुरा चाहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कि जो काम सुई करती है वह तलवार नहीं कर सकती। यहाँ रहीम जी हमें समझाना चाहते हैं कि कई लोग छोटे बड़े होते हैं, तो हम अगर बड़े हो गए तो छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको डारी माने छोड़ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ पर जो काम आती है सुई कपड़े सीने के लिए, सुई काम आती है, वही तलवार की ज़रूरत होती नहीं है। युद्ध के मैदान में अगर हम जाएंगे तो वही सुई काम नहीं आती, वहाँ तो तलवार की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस व्यक्ति छोटा बड़ा होता है वो अपने हिसाब से होता है, लेकिन काम तो सब कुछ कर सकता है। छोटा काम करने वाला छोटा नहीं हो जाता है, बड़ा काम करने वाला बड़ा नहीं हो जाता। मनुष्य तो सभी एक प्रकार के ही होते हैं, चाहे वो काम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य छोटा बड़ा बनाते हैं। अगला दोहा है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब होए। दीन माने गरीब, लखत है यानी देखते हैं, को यानी कई, दीन बंधु यानी भगवान, सम यानी समान। रहीम जी यहाँ कहना चाहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता। जो असहाय और गरीब लोगों पर दया दृष्टि करता है, रहीम जी कहते हैं कि वो सचमुच भगवान के समान होता है। आज हमारे देश में कई गरीब लोग हैं, लेकिन उनके सामने कोई देखता नहीं है। अगर गरीबों को ये सामने हम आशा भरी दृष्टि से आने वाले जो लोग रहते हैं थोड़ा बहुत दे दें तो उनका भी पोषण हो सकता है। अगला दोहा है, खीरा को मुँह काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन करिए भूखन की, चाहिए यही सजाए। रहीम जी कहते हैं कि खीरा यानी ककड़ी, मलियत यानी मलना, नौन यानी नमक, करवे यानी कड़वा, सजाए यानी सजाए। खीरा को खाने से पहले उसका सिर यानी उसका जो ऊपरी भाग होता है वह काट कर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुंह वालों को यही सजा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। यानी कि कड़वे मुंह वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी ककड़ी के समान होती है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं, वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वाले को कितनी चोट पहुंचती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है, कटु वाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है। इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है, वैसी ही सजा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए, ऐसा रहीम जी का कहना है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। उत्तम यानी श्रेष्ठ का करी सकत, कुछ न कर सकता है, कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ, भुजंग माने सांप। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहें तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उनका विष फैलता नहीं है। यानी कि कभी कहना चाहते कि चंदन के पेड़ पर जो सांप लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता, सांपों के संग से उसकी सुगंधि में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग
बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। रहीम जी का कहना यही है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़ दूध को मथे न माखन होय। रहीम जी का कहना है कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना ही मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो सुधरती नहीं है। जिस प्रकार फटे हुए दूध में हम कितना भी प्रयत्न करें उसमें से मक्खन नहीं निकलता, उसी प्रकार तो किसी से हमें बात को बिगाड़ना नहीं है। रहीमन विपदा हूँ बली, जो थोड़े दिन होए हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीम जी का कहना है कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है कौन हमारा अहितकारी है। रहीम जी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आई विपत्ति बुरी नहीं है। विपत्ति के उस समय में हमें मालूम हो जाता है कि कौन हमारा हितकारी है कौन हमारा हित चाहता है। इस तरह थोड़े समय की विपदा हमें थोड़ा कष्ट भले देती हो पर वह हमें अपने सच्चे हितेशियों का ज्ञान करा देती है। इस प्रकार अल्पकाल की विपदा हमारी आंखें खोल जाती है, इसलिए उसे बुरी नहीं माननी चाहिए। रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मागन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नहीं। रहीम जी का कहना है कि जो मनुष्य जो मांगने जाता है तो वो तो जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान है जो जिनके दरवाजे पर जाता है, परंतु उनसे भी पहले वे मर चुके हैं जिनके मुख से नाही शब्द निकलता है। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा यही शब्द निकलता है, वही मरे हुए के समान है, उनसे पहले मरे हुए। जो मांगने वाला है तो वो तो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है, लेकिन जो ना कहता है वो तो उनसे भी पहले मरा हुआ है। तो हमारे घर आए हुए भिखारी को कुछ न कुछ जो हमसे बनता है वही हमें देना चाहिए, उसे कभी भी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी कोई मजबूरी है उसकी कोई लाचारी है, इसकी वजह से वो हमारे घर कुछ न कुछ मांगने के लिए आता है। लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है उनमें से थोड़ा भी उसे देना चाहिए।